खबरों की नई पहचान। धनबाद कांग्रेस अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी के अल्पसंख्यक में बैठक की गई, जिसमें जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और जिला के साथ सैकड़ों समर्थकों ने भाग लिया। वहीं मंच पर बैठे कांग्रेस नेता ने कहा कि घर घर से निकलकर वोट करना है, क्योंकि मौजूदा केंद्र सरकार देश की संपत्ति को बेच रही है और देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। सभी इंडिया गठबंधन के लोग पूरी ईमानदारी के साथ मिलकर वोट करेंगे तो हम अधिक से अधिक मत से विजय होंगे। आज अफसोस इस बात का कि हम 22% और 25% वोट देकर के घर में सो जाते हैं। अपने मां बहन और भाई किसी को वोट देने के लिए बूथ तक नहीं ले जाते हैं। इस कारण हमारा वोट अब परसेंटेज गिर गया, और वोट अब परसेंटेज गिर गया है तो हम ये दावा नहीं कर सकते हैं जो लोकतंत्र के हत्यारे बैठे हुए केंद्र में हिटलर मोदी सरकार, उसको हम नहीं कमा सकते, नहीं उखाड़ सकते, सिर्फ मुंह से हम उखाड़ सकते हैं, मुंह से हम सिर्फ वोट सकते हैं। अगर उसको उखाड़ना है, उसको फेंकना है, हमको 100% वोट को बाहर निकाल करके उन महागठबंधन को जिताना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं साथ, तभी हमारा अकेले का विकास हो सकता है, तभी हमारा अकेले शांति से जी सकता है। शहर की धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग अपने जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, जिला पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है कि किस तरह इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में गति अल्पसंख्यक विभाग दो कि हमारा वोटर जो है बूथ तक निकले, किस तरह उसको प्रेरित किया जाए कि अपने अपने एक एक मत का प्रयोग करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में अपना रोल को अदा करें। नहीं, कोई समस्या कोई नहीं है, सब आपस में मिल करके काम करना चाहते हैं और अपना कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ बनाने का, समन्वय बनाने के लिए ही बैठक है कि समन्वय बना करके प्रत्याशी के साथ, जिला कांग्रेस कमेटी के साथ समन्वय। मुख्य उद्देश्य है प्रखंड जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का जो आज बैठक रखा गया है, लोकसभा चुनाव में हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जीते, इस पर आज लोगों से मशवरा लेने के लिए आज बैठक रखा गया था। जी, मैं मुसरत जबिंग, धनबाद जिला की प्रभारी। आज बैठक का खास मकसद बस इतना ही है कि हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर आपसी जो थोड़ा बहुत रंजिश है उसको खत्म करने की कोशिश किया जाए। खबरों की नई पहचान।